पूरा मामला दरौंदा थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन पर रखे पुवाल को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद में सुबह तीन व्यक्तियों को गोली लगी। पूरी घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ाई गांव की है, जहां घायल तीनों व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां नेता सहित तीन लोगों को गोली लगी है। गोली लगने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे दबंगों ने गोली मारी और दबंगों ने पीड़ित परिवार के पोस्ट के मकान पर आग लगा दी और घायलों में एक महिला भी शामिल थी। तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माले नेता जयशंकर और पीड़ित परिवार के दो लोगों को गोली लगी है और गोली पुलिस घटना की सूचना में जुटी है, जहां पुवाल को लेकर विवाद हुआ। देर रात दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में कई लोगों का सर फट गया और सुबह दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिर जमकर गोलीबारी हुई और घटना को अंजाम दिया गया। इस गोलीबारी की घटना में क्षेत्र में दहशत कायम हो गई। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक सिवान अमितेश कुमार पहुंचे, जहां हर एक बिंदुओं पर जांच में जुटे हैं। घटनास्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज रोचना माधुरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन, बीडीओ दरौंदा सूर्य प्रताप सिंह सेंगर और सर्किल इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार कैंप किए हुए हैं। घटना पेटारी के चलते घटना घटे सर। तो विवाद कब हुआ, आज हुआ है, कल कैसे, क्या हुआ है? काल है, मैंने 8 बजे खान बात भव हुई जी। आई थी 8 बजे के बाद में सर सब कुछ ठीक हो गए, साझी खान अगाम दिया। अच्छा, वो फिर रात में झगड़ा भइल बा? हाँ, रात में आके अलग मैंने मालिक साहब हम तनी मैंने गरियल। सुबह में का भइल, सुबह में घटना कैसे भइल, तो फिर कैसे विवाद हो गइल? माने आके माने भइल जे पंचायती हुई। हां, तो हमनी के माने रहल जे होई तो पंचायती में माने सब लोग अपन अस्थिर हो जाई। वही उहे भइल हवे, तो अपरूपी लोग आइल ह, लोग लागल घर में ढूक के सब जगह कमाड़ी तुर तुर के मन के रलक चिन्ह तनी केउ के ओनी कार के रन है। गोली भी चलल बा? हां, दू आंदी के गोली भी चलल, तीन आंदी के लगल। हां, के कर के माने हम ना देखनी सर अपन जान बचावे के आंदी फेर में रहल। का नाम पड़ी रहो? संगीता देवी। तो शंकर जी बताइए, गोली कैसे लगा है, कौन मारा है आपको? ये मामला रात को एक पकोलिया पंचायत का टोला है, रामगढ़ई टोला, वहाँ 5-6 घर ही दलित लोग हैं और उन दलितों के परिवार में वहाँ के राजपूत लोग सामंती अपराधी ताकतों ने रात को आग लगा दिया था उनके गांज में। इसी को लेकर के उस दलित परिवारों ने उनको थाना में आवेदन दिया और आज सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बुलाया कि आइए, थोड़ा सा मामला इस तरह का है। जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो 10-15 की संख्या में अपराधी तत्व आ गए और लाठी डंडा से लेकर मारपीट करने लगे, और खास करके मेन टारगेट मेरा ही था। और जैसे ही हम घर में जाकर के छुपे, उस घर में भी उन्होंने 7-8 फायरिंग किया, जिसमें मेरे एक पैर में और एक लड़के को उनके सीने में और एक औरत को उनके पैर में लगा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पूरी तौर पर मुझे मेरी हत्या करने की साजिश थी, लेकिन हम इस हत्या से नहीं डरे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है दलितों की लगातार हत्या, उसी समान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन दलित की हत्या कर दिया गया था, हत्या करके रास्ते पर उसके शव को फेंक दिया गया था, लेकिन अभी प्रशासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके वजह से उन अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पंचायती करने के लिए बुलाया था लोग गोली मारने की नीयत से? हाँ, हम तो केवल गए थे कि भाई दलितों से मिलेंगे, क्या मामला है जानेंगे, लेकिन उन सामंती ताकतों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमको देखते ही वो लोग गाली गलौज करने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे, उसके बाद मेरे देख एकदम टारगेट करके उन्होंने सीना पर गोली चलाया, तब हम अपने आप से बचे, लेकिन उन्होंने तब फिर हम घर में जाके छुपे और घर के ऊपर में बने हुए थी से ग्रिल से उन्होंने मुझे टारगेट करते हुए 7-8 गोलियां चलाई जो मेरे एक पैर में लगा। कई आदमी को लगा है गोली? 3 आदमी को गोली लगा। क्या नाम है उनका? नाम अभी हम बता देंगे, मोनू और एक उनकी माँ है जो उनका माइका है, उनको 2 लोगों को और गोली लगा हुआ है। ठीक ठीक, पहुंचू मैं सर। रात में एक इन्फॉर्मेशन आई जी, जो पुलिस को SHO साहब को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ पे कुछ लोगों में विवाद हो रहा है, आने के लिए बोला गया। उसका जानकारी पाते ही गश्ती दल यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर देखी कि माहौल जो है थोड़ा गर्म था, और यहाँ पे सारे लोगों से बात किया, सिचुएशन सारा कंट्रोल में था, और फैमिली से बात करके सारा चीज़ हो गया कि हाँ सारा चीज़ ठीक है, स्थिर है। तो पुलिस थोड़े देर 1 घंटा लगभग यहाँ पर रह करके गश्ती करके, और फिर जब ये सुनिश्चित हो गई कि अब सिचुएशन ठीक है तो वे यहाँ से मूव की। सर, आज सुबह में गोलीबारी की घटना भी हुई है, उसी रात के घटना से ही संबंधित
ये दिख रहा है जी। ये रात में एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जैसा आपको बताएं हम जी कि पुलिस यहाँ पर आई, तो उसी बीच में पुलिस के आने से पहले पुआल को लेकर के एक विवाद हुआ जिसमें कि दो पक्षों में मारपीट हुई जी। उसके बाद फिर पुलिस आने के बाद देखिए कि यहाँ पर कोई भी उस तरह का ना कंप्लेनेंट था ना कोई था, तो उसके बाद फिर कंप्लेन करने के लिए बोल करके गश्ती करके पुलिस अपनी वापस चली गई। यहाँ पीछे में समुदाय भवन उसके पीछे पुआल रखा हुआ है जी, जिसमें आग लगा दिया गया था उसी मैंने पुआल को लेकर इस विवाद हुआ है। सुबह में इन लोग के बीच में ऐसा हुआ आपस में नहीं, अभी के अभियुक्त पक्ष पीड़ित पक्ष जी उनका मानना हुआ कि बैठ करके बात हो जाएगी। उसी क्रम में दूसरे पक्ष आ करके और इस अंजाम को किया। तीन आदमी को सर गोली लगा हुआ है सर? हाँ, तीन आदमी को लगा है गोली। तो पुलिस सर कैंप कर रही है सर गांव में? हाँ, कैंप कर रही है लगातार सर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। कुछ नाम हमारे सामने आई है जी, उस पर हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा इन्फॉर्मेशन तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर मामले को लेकर राजनीतिक भी किया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपील कीजिएगा इसको लेकर सर? अभी तो राजनीतिक कुछ नहीं हम बोलेंगे, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा जी। लेकिन हम अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस पर भरोसा रखें, हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और अंजाम तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सर। हे महादेव जी, हमारे तो काम से ना सुनल तो हम पेटाढ़ी बह हो जबा जी, तो कहूँ जे दे दें हमरा के परमेश्वर पेटाढ़ी है जी, तो ये कहूँ जे 100 रुपया सैकड़े बच्चा चले लगी इनके जी, आ तो कहो तो कहे तोरा 60 रुपया देवे के पड़े। हाँ हाँ, 60 रुपया तो अपना बाप में धैले बड़े। हाँ हाँ, तब जाके आग लगा दे वहाँ, तो वह हमारे परमेश्वर चल गए जे आओ चाचा निमन काम को दिल। अब तो हाँ के बारह तमाम कुछ नाबू हम आवत रही है, हमारे बेटी है जात लसी है, तो कहती जे माई चल बस आयल हलो मोटरसाइकिल से दना दान लागल हलो लबद से मारे हमारे नाती के मरले बालो बेटी के बेटी के बेटा के मरले बालो गोली हमारा बाबू जी हन बाबू सब कुछ ठीक बा। का नाम पड़ी रहो बेटी के का नाम जिनके गोली लागल बा? सीता, अब तो घरे अपना चल जाए। अच्छा, लड़के का नाम हो जिनका उनका लड़का के? मोनू। यही जी गोली लागल घर पर? घरवा में। रोड नाम का पड़ी? हमार शांति देवी ना हो बाबू, हमारे को तो मार के मार देता।